कहाँ है उर्मिला महादेव मात्रे? उसको बोलो हमारे सामने आया, अगर उसमें हिम्मत है तो। बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। सामने आओ हमारे, उर्मिला। क्या रे चटक चांदनी, क्या बोलती पब्लिक? तुम्हारी मैया की सासू मैया। वर्दी का इज्जत का उम्मीद तुमसे हम कर भी नहीं सकते थे। कैप निकालो। ए? ए, क्या रे? मेरा इलाका, मेरे बाजू में गुंडे खड़े, तू काहे के लिए मेरे पे दोष जमाती रे? नहीं निकालती टोपी, जा क्या करेगी? और सुन, उधर आके खड़ी हुई है ना, हिम्मत है तो इधर आके दिखा। जाओ रे। कहा था करिश्मा सिंह कि हम जरूर लौटेंगे, हम आ गए। से बाहर जाने के लिए, और ये वर्दी, इस वर्दी में तुम बिल्कुल नहीं रहोगी। इस वर्दी से निकलो तुम अभी के अभी। करिश्मा सिंह, एक मिनट रुको, दिख रहा है ना हम बात कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, हम आपसे सच कह रहे। क्या मजाक बना रखा है? तुम हमारी तरफ हो या इसकी तरफ? पार्टी बदल ली, मारो इन दोनों को। भाई साहब,
करिश्मा सिंह, याद कीजिए वो मिशन जब हम दोनों के शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ था, लेकिन आपने आखिरी मिनट पर बहादुरी दिखाकर हम दोनों को बचा लिया था। तब पहली बार मैंने आपकी आंखों में खौफ देखा था, हमें खो देने का डर। ये बात हमें कैसे बताओगी, सोचिए। बिल्कुल नहीं सुना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सुना, आपको होस्ट में रहना, आपको होस्ट में रहना। वो रानी वाला केस करिश्मा सिंह, वो रानी नाम की लड़की हमारे नाम पर पूरी दुनिया को ठग रही थी, उसने हमें मारने की कोशिश की थी, वो हमें चाकू मारने वाली थी, लेकिन आप हमारे बीच आ गई थी। करिश्मा सिंह, ये सब तुम्हें कैसे पता? करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, याद कीजिए वो आखिरी पल जो हमने साथ में बिताया था, जब मीरा ने हम पर गोली चलाई थी, हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे, लेकिन आप थी, आप लड़ रही थी हमारी मौत से, आपने हमें जिंदा रखने की हर कोशिश की, याद है आप क्या क्या बकवास कर रही थी ताकि हम बेहोश ना हो जाए? आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है आपको, इसलिए हम बता नहीं रहे थे आपके लिए, सब बर्थडे सरप्राइज ऐसे प्लान कर रहे हैं, सुन रही है आप हमारी बात को? फिर क्या हुआ था? फिर हम समझ गए थे करिश्मा सिंह कि हम जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए हमने लॉकर की चाबी आपकी जेब में डाली और आपको धक्का दे दिया गाड़ी से। जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम डर गए थे करिश्मा सिंह, आपको खोने के नाम से डर गए थे। हमें दुनिया की हर सजा मंजूर है, लेकिन आपको खोता हुआ नहीं देख सकते। उस पल में हमें इस बात का एहसास हुआ करिश्मा सिंह कि हम खुद को मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। चलो चीते संतु, हम निकल रहे हैं। और हाँ चीते, खुली आंखों से सोना। हाँ ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट संतु जी। हाँ। गुड। आप अभी तक मुंबई नहीं गई? और करिश्मा मैडम, आप ठीक तो है ना? क्या ये मैडम, ये क्या हो गया है आपको? मैडम आप ठीक तो है? आप सही कहती है, ये लड़की जब भी आपके साथ रहती है ना कुछ मुसीबत खड़ी कर ही देती। और ढेर भी तो देखो कितनी हो गई, मैडम सर की वर्दी अभी तक नहीं उतार के रखी। सही कहती हैं आप, खुद को ना मैडम सर समझने लगी है। ये मैडम सर है क्या? हाँ ये मैडम सर है, हमारी SHO हसीना मलिक, यही हमारी मैडम सर है। हे भगवान, आप कौन सी नई गुट्टी पिला दी आपको, कौन सा नया प्रपंच रचा दिया जो आपका सर फिर से घूम गया है और कह रही है आप ये मैडम सर है? जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम। हाँ अरे ये यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ रहे और हमसे रोज के 2500 हड़प ले, मगर हम नहीं देने वाले पैसे। हाँ, और हाँ। क्या? फिर से आपका ये सब नाटक शुरू हो गया। अरे कौन जन्म का बदला ले रही है भाई, कहाँ है हम लोग के भावना के साथ इतना ज्यादा खेल रही है आप? ये हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पर बॉम्बे चली जाइए। ये मैडम, हमारे जाने से पहले आप सबने हमारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी जिसमें हम शरीक तो नहीं हो पाए, लेकिन एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजा था। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। चलिए आज वो मैसेज हम खुद ही सुना देते हैं।
आप सब खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। क्या लगा आपको कि आप हमारी पीठ पीछे चुपके चुपके हमारा ही बर्थडे सरप्राइज प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए हमने पहले ही ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया आप सबको सरप्राइज करने के लिए। दरअसल जो बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा। थैंक यू। थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। हमारी अम्मी को लगता है कि हमारा आप सबसे पिछले जन्म का कोई नाता है और हम भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहें ना तो इस वक्त, इस पल में अगर हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला। आप सबके साथ थोड़ा सा ही सही वक्त बिताने का मौका मिला। एक पल की जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिला, इसलिए प्लीज प्लीज हमसे इतना प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आप यकीन हुआ, हम ही आपकी मैडम सर। मैडम सर, आपके सामने खड़े थे हम, रोते थे, मरते थे, तड़पते थे, पता नहीं, लेकिन आपने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि आप मैडम सर हैं। करिश्मा सिंह, जिस दर्द से आप गुजरी हैं, उसी दर्द से हर बार हम भी गुजरे। जितना दर्द आपको हुआ हमें याद करके आप सब जितना रोए उतना ही हम भी रोए, पर मजबूर थे, क्योंकि उस समय हम एक मिशन पर थे जिसके चलते हमें उर्मिला बनकर आप सबके बीच रहना पड़ा। चाहकर भी किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, आपको बता नहीं पाए कि हम ही हैं। हमेशा से आपके आसपास थे, आपके साथ थे, आपकी मैडम सर। सॉरी, सफेदी के चमकार चिकने ए टकलिया उम्मा सटक साथी और महतारी आइटम ए आइचा गावात वड़ा पाव। हसीना मलिक हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर वो उर्मिला महादेव मात्रे ही है, हसीना मलिक नहीं है, और ये बात आज वो खुद कबूल करने वाली है। सर हम सब जानते हैं। हाँ सर ठीक है, बुलाओ ना।
जयहिंद सर। जयहिंद। हाँ जी बताइए डीएसपी साहब को। क्या? वही जो तुमने हमसे कहा था। क्या कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? कल दारू के अड्डे पे। आपके कहने का मतलब है कि आप दारू के अड्डे पर गए थे? अरे हम दारू के अड्डे पर कुछ नहीं कर रहे थे, आप कर रही थी, आप दारू पी रही थी। कमाल है बुलबुल पांडे, याददाश्त हमारी गई थी और असर आप पर हो रहा है। मतलब अब तो आप चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। आपको अभी भी हम किसी दारू के ठेके पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं क्या? अरे क्या कह रही है आप, काहे झूठ बोल रही हो, काहे फंसा रही हो हमको, सारी झूठ बोल रही है। यही तो मर चुकी है सर। मर चुकी? अरे बुलबुल पांडे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये मर चुकी हैं, तो ये हमारे सामने कौन खड़ा है? उर्मिला महादेव मात्रे। सबूत क्या है? सर सबूत तो ये खुद दे सकती है सर। इन्होंने खुद हमसे कल एग्री किया था, कहा था कि ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे है सर। पर ये ऐसा करेंगे क्यों? पहले बोलेंगे कि ये उर्मिला महादेव मात्रे हैं, फिर कहेंगे ये हसीना मलिक है, क्यों बोलेंगे ऐसा? अब सर ये तो यही बता सकती है। बताइए काहे आपने हसीना मलिक के मौत के राज को राज ही रखा, काहे ये उर्मिला महादेव मात्रे को यहाँ हसीना मलिक बना के स्थापित किया है थाने में, काहे 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 है? सर आप ऐसे कहाँ देख रहे हैं सर? सर हमरा हमरा बात का बिलीव कीजिए, ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्र ही है। डीएसपी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि काम का प्रेशर बुलबुल पांडे जी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए ताकि अपनी साइकेट्रिक हेल्प ले सके और जब ठीक हो जाए फिर आ जाए ड्यूटी पर। सर हमरा विश्वास कीजिए, हम सब जानते हैं अगर इसके बाद कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की और हमें खाने से उठाया तो तुम्हें सरकारी खर्चे दिमागी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। और एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टी लो, उसके बाद आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अबे अब खड़े खड़े दीदे क्या फाड़ रहा है? अब डीएसपी साहब अपना जूता उठाकर तुझे मार मार के घसीट के गंदी नाली में तेरा मुंह डाल के बताएंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेइज्जती हुई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल निकल यहां से। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो? अबे नैनसुख दरवाजा इधर है, उधर क्या देख रहा है? चल